हेलो एवरीवन। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज पहला रमज़ान है। इधर सऊदी अरब में हूँ मैं इस वक्त, रियाज में। प्लान ये है कि हम मक्का जा रहे हैं उमरा के लिए। पहला रमज़ान है तो वहाँ पे ऑब्वियसली रश रश कम होगा हरम में। तो अभी मुझे हाफिज़ का कॉल आई कि लेट्स गो फॉर उमरा। सो अगर हम सऊदी अरब में रह रहे हैं और हम ये ऑप्शन अवेल नहीं करते कि हमें हज के जितना सवाब हो उमरा में, तो ये एक बदकिस्मती वाली बात है। तो मैं आज का व्लॉग इसी के लिए शुरू कर रहा हूँ। हम रियाज से मक्का ट्रैवल करेंगे उमरा के लिए। अभी यहाँ पे 3 बज गए, तो इंशाल्लाह पूरा प्लान है कि 12 बजे तक हरम में एंटर होना है। सो आई थिंक वी हैव 9 आवर्स, इंशाल्लाह हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। रास्ते में सिर्फ हमने हराम बांधना है। अभी मुझे हाफिज़ को पिक करना है रास्ते से, तो मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो उसके बाद हम अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिए। मेरी हाफिज साहब पहुंच चुके हैं। लो साहब अंदर आओ। ये हाफिज साहब पहुंच चुके हैं। प्लान ये है कि 2 गाड़ियां हैं, एक वो टोयोटा गाड़ी खड़ी है उधर और एक ये हाफिज़ की गाड़ी है। तो प्लान ये बना के मेरी वाली गाड़ी पे जाएंगे इधर टोयोटा में। अब सिटी सेंटर में हूँ मैं इस वक्त। वहाँ कारफोर में गाड़ी पार्किंग में लगाई है ऑफिस की, और अभी निकले हैं हम। सिटी सेंटर में हैं तो मुझे आई थिंक 20 से 30 मिनट लगेंगे एक्स्ट्रा, बिकॉज अभी ट्रैफिक जाम है रियाज से निकलने तक। तो होपफुली अगर प्रोविजन रख के भी चलें तो मैं इंशाल्लाह 1 आवर से पहले पहले हम चेक पॉइंट क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह। दुआ सफ़र की पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون। अभी इस वक्त हमने एग्ज़िट 13 क्रॉस किया है और टूवर्ड्स हम गल्फ ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। एज सच अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ट्रैफिक जाम है, बट आई थिंक थोड़ा आगे जाके हमें किंग फहद रोड के पास ट्रैफिक जाम मिल सकता है। उस साइड पे आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक जाम है, बिकॉज़ अभी ऑफिसेज का ऑफ हुआ है। तो आई थिंक ये सब ऑफिस की ट्रैफिक है और स्कूल्स की तो ऑलरेडी और यूनिवर्सिटीज की तो ख़त्म हो चुकी है। हम इस वक्त मक्का रोड के ऊपर ही हैं। मेरा नेविगेशन सिस्टम भी मक्का रोड शो कर रहा है और अभी हम ट्रैफिक में स्टक हुए हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा नहीं है, 3-4 किलोमीटर तक ये ट्रैफिक होगा। उसके बाद होपफुली हमें रोड क्लियर मिल जाए। जी ऑलमोस्ट वी लेफ्ट द सिटी। पूरा 1 घंटा लगा जिस सिटी से निकलते हुए हमें। तो अभी आई थिंक एंड ऑफ रियाज है। रियाज सिटी से बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं हम और अभी हम चेक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ताकि चेक पॉइंट के बाद हमारी जो स्पीड लिमिट है वो 150 किलोमीटर तक हो जाएगी। एक्चुअली स्पीड लिमिट 140 तक है। 10 किलोमीटर्स की प्रोविजन होती है फास्ट ट्रैक के लिए। तो ये अभी आप देख लें, ऑलमोस्ट हम 120 की स्पीड से जा रहे हैं। तो आगे मैं आपको चेक पॉइंट के ऊपर जाके फिर आगे ब्रीफ करता हूँ। फाइनली जी हम चेक पॉइंट पे पहुंच गए। ये रियाज की चेक पॉइंट है। ये आप तो देख सकते हैं उस साइड पे बसेस वगैरह की ट्रैफिक, वो सारी चेकिंग वगैरह होती है यहाँ पे। ये आजकल उमरा वगैरह का रश है तो इसलिए ये
ये हमने रियाज चेक पॉइंट क्रॉस की है और चेक पॉइंट के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी है अगर आप उसे दिखाएं तो। काफ़ी शॉप्स वगैरह बन चुकी हैं तो ये यहाँ से हमारी जो स्पीड लिमिट है वो ऑफिशियली जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से होगी 140 km होगी, बट वी विल ड्राइव आवर कार ऑन 150 km। अभी 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद पहुंचे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं और इस पेट्रोल पंप पे बहुत रश है ऑलरेडी बिकॉज आई थिंक ये रमज़ान की वजह से। तो आप अभी यहाँ से निकलने के बाद गाइस इस फिलिंग स्टेशन पे एक्सट्रीम रश था, हमने कुछ नहीं दिया यहाँ से, सिर्फ टैंकी फिल करवाई है गाड़ी की। अभी हम जा रहे हैं आगे तो नमाज भी पढ़नी है और वाशरूम और खाना वगैरह सब आगे से करेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बसेज लगी हुई हैं, 100 to 150 बसेज। ये सास्को का पहला दूसरा माता है, रियाज से निकलने के बाद आता है। आप देख सकते हैं कितना रश है। अभी हमने टंकी तो फिल करवा ली है अपनी गाड़ी की, तो आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं किस रेस्टोरेंट में। जी तो गाइस यहाँ हाईवे पे रुके हैं, पीछे जितने भी फिलिंग स्टेशन थे सब में इतना ज़्यादा रश था कि जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने एक छोटा सा पाकिस्तानी होटल देख के तो हमने यहाँ पर गाड़ी रोकी है अपनी और इनसे हमने खाना ऑर्डर किया है और साथ में बड़ी बेहतरीन सी चाय इसने बंदे ने बना के दी है। आगे हमारा 3-4 घंटे का सफ़र है, बाकी होपफुली वो गुजर जाएगा इंशाल्लाह। बाकी आपको आगाह करता रहूँगा मैं आगे पहुँच कर, अभी निकलने लगे हैं यहाँ से वापस। जी तो दोस्तों हम ताइफ पहुँच चुके हैं और ये मीकात के ऊपर हमने भी कमरा लिया था, वहाँ पर हराम भी बांध लिए हैं, तो अभी हम यहाँ से मक्का की तरफ जाएँगे और मक्का में जाके मैं आपको अपडेट करता हूँ। और मैं 11 बजे इधर पहुँच गया था अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे 7 घंटे लगे हैं रास्ते में, मैंने आधा घंटा एक जगह पे इफ्तारी भी की थी रुक के, और अभी अल्लाह का नाम लेके बाकी का सफ़र शुरू करते हैं और मक्का में जाके आपसे मुलाकात होती है फी अमान अल्लाह। ये जी मक्का की चेक पॉइंट है, यहाँ से अभी काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आई थिंक आई डोंट नो कि किस किस्म की चेकिंग हो रही है, बट देयर इज़ अ क्यू, लॉन्ग क्यू। तो ऑलमोस्ट हम मक्का में पहुंच गए हैं जी, तो वो चेकिंग लगी हुई थी, वो चेक कर
गाइस आज का व्लॉग एंड करते हैं यहाँ पे। गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है, अभी हम हरम की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ये बातें कबूल फरमाए रमज़ान के मुबारक महीने में। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।